तो जी मिल गए पापा मिल गए। अबू आ रहे हैं जी लाहौर से, अचानक हमें फोत की होगी और अबू गए। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम साहब, बड़ा इंतजार कराया तुसी। हाय हाय की दसी है तन्नू। चले जी अब निकलते अपने सफर पे, आपको अब जाके मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम काफ़ी लेट हो गए ब्लॉग स्टार्ट करते हुए, तो यार पापा गए हुए थे लाहौर, अचानक फोत की होगी घर में, तो उनको लाहौर जाना पड़ा। वो भी आए हैं लाहौर से, आपने सीन देखा होगा पहले का। अभी हम मैरिज हॉल पे पहुंचे हैं, बाकी ये लुक लग रही है हमारी कुछ ऐसी। ये हमारे मूसा भाई हैं, ये मेरे मामू के बेटे हैं, मामू के बेटे हैं, है ना। ये पकड़ना था ना, हम अपनी ऑडियंस को थोड़ी सी हमारी लुक दिखा दें। हाँ जी ठीक है, नहीं ऐसे रखो ऐसे। बाकी आपको दिखाते हैं जो थोड़ा सा माहौल इधर का बनता है। अली भाई अच्छा जी, खाना हम खा के फारिग हो गए हैं, ठीक है अब चाय की शिफ्ट है, चाय लगा पीते हैं, ठीक है, और फिर निकलते हैं बस। आज यार तबीयत बड़ी ख़राब है, खाना भी नहीं सही तरह से खाया गया, बाकी फिर घर जाके आपसे मिलते हैं। जो थोड़ी सी एक्टिविटी होगी वो आपको साथ हमने दिखा देंगे। शेयर कर का फंक्शन जो है हमें अटेंड कर लिया है, ठीक है, एहसान भाई से आपको मिलवाते हैं। आपके भाई के 28 साल बाद शादी हुई है, अब आपके कब नंबर लगेगा, 23 साल तो आपकी तो होगी है। अब्बा जी कह रहे हैं कि आपकी की शादी के बाद 1-1.5 साल बाद आपका नंबर लगा देना है, लेकिन मैंने अभी कहा है कि अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा 3-4 साल का वक्फा डालें। अच्छा, तो आप देखें अब्बा जी क्या कहते हैं। ना करो यार, हमें तो इतना शौक है, हम कहते हैं कि 20 साल उम्र ना हो शादी हो जाए, तो आप 23 साल के हो गए भी आगे 4-5 साल के। लेकिन मैं कहता हूँ कि शादी एक ही दफा होनी है, 4 थोड़ी होनी, तो मैं कहता हूँ एक ही नहीं, आप अच्छी शादी आप 4 करवा सकते हैं, आपके पास है इख्तियार 4 करवाने का। मेरे पास इख्तियार जरूर है। इवेंट से हम फारिग हो गए, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ।